के प्रदूषण की समस्या अब दूर होगी। आईआईटी कानपुर कराएगा कृत्रिम वर्षा। नागर विमानन मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दे दी है। क्लाउड सीडिंग के जरिए दरअसल आपको बताएं कि कृत्रिम वर्षा की जाएगी। मशीनरी प्रशिक्षण सफल हो गया है और जरूरत के हिसाब से ये वर्षा कराई जाएगी। एयर क्वालिटी में इससे सुधार होगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि आधुनिकता की ये बड़ी पहल, जिसमें अब जो है कृत्रिम वर्षा कराई जाएगी, जिससे एयर क्वालिटी में जो है सुधार होगा। ये बड़ी जानकारी। सूखे प्रदूषण की समस्या अब दूर होगी क्योंकि आईआईटी कानपुर कृत्रिम वर्षा कराएगा, जिसके मद्देनजर जो है नागर विमानन मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दे दी है। क्लाउड सीडिंग के जरिए आपको बताएं कि कृत्रिम वर्षा होगी, जिसमें मशीनरी प्रशिक्षण जो है वो सफल हो चुका है और जरूरत के हिसाब से अब इसमें वर्षा कराई जाएगी, जिससे कि जो सूखा प्रदूषण है वो दूर होगा। इसके अलावा एयर क्वालिटी में भी सुधार किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको बताएं, जिसमें आईआईटी कानपुर कराएगा कृत्रिम वर्षा। नागर विमानन मंत्रालय ने इसको लेकर मंजूरी साफ तौर पर दे दी है, जिसमें क्लाउड सीडिंग के जरिए ये कृत्रिम वर्षा कराई जाएगी। इसमें मशीनरी प्रशिक्षण जो है वो सफल कर लिया गया है। इसके अलावा जरूरत के हिसाब से जो है ये कृत्रिम वर्षा कराई जाएगी, जिससे कि एयर क्वालिटी में जो है सुधार साफ तौर पर किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी लखनऊ से, जिसमें सूखे प्रदूषण की समस्या को अब दूर करने के लिए आईआईटी कानपुर ने नया पैंतरा जो है वो साफ तौर पर अपना लिया है, जिसमें नागर विमानन मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दी है। यानी कि अब क्लाउड सीडिंग के जरिए कृत्रिम वर्षा कराई जाएगी। और इस पर खास जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अनिकेत तिवारी मेरे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए। अनिकेत, जिस तरीके से ये आधुनिकता का ही दौर है, जो अब तमाम परेशानियों से निपटने के लिए जो है एक बड़ी पहल की जा रही है, और इसी के मद्देनजर अब सूखे प्रदूषण की समस्या को दूर करने के लिए कृत्रिम वर्षा होगी, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार में जो कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही है, वो लगातार नए नए इन्वेंशन करते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह से हमारे जो प्रदेश का जो अन्नदाता जो किसान है, उसको किस तरह से राहत दी जा सके, क्योंकि देखा गया कि उत्तर प्रदेश के कई ऐसे इलाके लगता है जहाँ पर कहीं ना कहीं सूखे की मार आज लोगों को झेलनी पड़ती है। इसके वजह से लोगों की फसलें बर्बाद होती है, किसानों को उसका नुकसान होता है। और जिस तरह से अगर बात की जाए तो लगातार कृषि को टेक्नोलॉजी से जोड़ने का जो प्रयास लगातार अब बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, और बात की जाए सूर्य प्रताप शाही की, तो वो कहीं ना कहीं अलग अलग कारशालाओं के माध्यम से उस प्रयास को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और उसी प्रयास में लगातार देखने को मिल रहा है कि आईआईटी कानपुर ने जो मेंशन किया था कि कृत्रिम वर्षा के माध्यम से जो जो किसान है जिनके खेत सूखे पड़े, उन सूखे खेतों में कृत्रिम वर्षा कराई जाएगी, जिससे न केवल किसानों को उसका लाभ होगा बल्कि किसानों की उत्पादन जो शक्ति है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। उसका लाभ न केवल किसान को होगा बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार को भी होगा। कहीं ना कहीं ऐसी बड़ी संख्या में क्लाउड सीडिंग के जरिए कृत्रिम वर्षा होगी, इसको लेकर क्या एक्सपेरिमेंट हो गया है? सफल एक्सपेरिमेंट हालांकि हो गया होगा, जिसके बाद ही जो है मंजूरी दे दी गई। ऐसे में क्या लगता है कि सफल रहेगा एक्सपेरिमेंट किसानों के लिए, फसलों के लिए? देखिए, लगता अगर बात की जाए आईआईटी की, तो आईआईटी ने 5000 फीट की ऊंचाई पर इस मशीनरी का जो प्रशिक्षण है वो किया है। हालांकि प्रशिक्षण सफल भी माना गया है, उसके बाद इस प्रशिक्षण को हरी झंडी मिल चुकी है। हालांकि अब इसका प्रयोग भी किया जाएगा तमाम उन इलाकों में जहां पर जो किसान सूखे की मार झेल रहे हैं, तो उन इलाकों में इस एक्सपेरिमेंट को कहीं ना कहीं उपयोग किया जाएगा, ताकि जो जो फसलें जो जिनका जो सूखे में है उन फसलों को हरा भरा किया जा सके, और उसी के लिए ये जो प्रयास है वो किया जा रहा है। हालांकि अभी फिलहाल जो परीक्षण है वो सफल मान लिया गया है, उसे हरी झंडी मिल चुकी है, और अब कहीं ना कहीं हरी झंडी मिलने के बाद में उन तमाम किसानों को इसका लाभ मिलता हुआ आने वाले समय में नजर आएगा। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जो नया एक्सपेरिमेंट है किसानों के लिए कितना लाभ जो है आगामी समय में ला सकता है। बहुत शुक्रिया पानी के तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए।